नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा टीम सीएससी और हमारे साथ है हमारे अजीज रणवीर सर। जी सर, बात करते हैं जीओसी। आज जीओसी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका हार्ट है, मतलब जीओसी क्या है? दिल। दिल है। अगर जो आपको ये आ गया तो रणवीर सर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आने, बिल्कुल आसान हो जाएगी सर। और इससे तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं इसी के लपेटे में, इसी के दायरे में तीन चार क्वेश्चन आपको पीएमटी में जेईई मेन में मिलने हैं। तो इसको हम लोगों ने दो पार्ट में किया है, जीओसी वन जीओसी टू, क्यों सर? जी सर, तो उस पर डिस्कस करते हैं। पहला, विनाइल क्लोराइड, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लीस्ट स्टेबल? जी सर। सर, इसके थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। जी सर, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, नॉन पोलर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो वो सबसे मोस्ट स्टेबल होगी। फर्स्ट चीज सर ने कहा, जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसको पहले कर दिया, उसके बाद में पोलर देख लेंगे। ठीक, पोलर के बाद में अपन देखेंगे कि जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसको क्या देंगे अपन, मोर स्टेबिलिटी देंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे, ऑक्टेट अनकंप्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो तो सबसे लीस्ट स्टेबल। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर उसके बाद में बात करेंगे नेगेटिव चार्ज कहां पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत गोल्डन रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है सर। उसके बाद में नेगेटिव चार्ज अगर लेस ई एन एटम पे है तो इसका मतलब कम हो गई स्टेबिलिटी, कम हो गई। उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज भी देखते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज है वो लेस ई एन एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए, और मोर ई एन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब अंबानी जी कंगाल हो गए। बिल्कुल। अब बात सर ने जो कहा, सीधी सीधी बात उन्होंने कही, जिस पर चार्ज नहीं है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो सबसे अधिक स्टेबल। फिर आपने देखा चार्ज सेपरेशन डिक्रीज स्टेबिलिटी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन ये सब रूल कैंसिल हो सकते हैं अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट। जी सर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो लीस्ट स्टेबल। ये देखिए, इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्यों सर? जी सर, ये सबसे मोस्ट स्टेबल। इस पर चार्ज है लेकिन यहां देखो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। जी सर, सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और अपने से पूछा ये क्या है, लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। तो आंसर कौन सा हो गया, यही हो गया सर। आप एक बार, सब रूल इनवैलिड है, अगर सब रूल फेल हो जाएगा लेकिन अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो। जी सर, कई बार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन कहीं ऑक्टेट उसमें इनकम्प्लीट हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसको गौर से ध्यान रखना है। जी सर, ठीक है। तो अपना आंसर सर क्या हो गया, थर्ड हो गया सर। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, द स्टेबिलाईजेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज मैक्सिमम इन, मोर रेजोनेंस देख लो, क्यों सर? इसमें कोई है नहीं। जी सर, इसमें वन डबल बॉन्ड, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, डबल सिंगल सिंगल आ गया सर, और इसमें डबल सिंगल डबल, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, इसमें कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट आंसर हो गया अपना फोर। नेक्स्ट बात करते हैं। जी सर, कौन से यौगिक के विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम, सर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। यानी कि अगर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी सर, यानी कि अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, किसी प्रकार का कोई कंजुगेशन नहीं है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कोई कंजुगेशन नहीं है ज्यादा रहेगी। सर के कहने का है कि CCl है। जी सर, अगर अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा, डबल बॉन्ड में, और CC बॉन्ड लेंथ लगभग 1.54, सी डबल में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो सिंगल बॉन्ड की पूछा है तो जितना अधिक रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ, अगर इसी क्वेश्चन की बात ऐसे होती इसमें कंजुगेशन ज्यादा होगा तो सर ज्यादा होगा तो उसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड में ज्यादा करेक्टर आएंगे। इसको हम कर लें ए, इसको बी, इसको सी, तो सबसे अधिक सीसीएल बॉन्ड लेंथ सी की, सर फिर बी की, जी सर फिर ए की, क्यों सर? जी सर, जिसमें कंजुगेशन ज्यादा है इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करेक्टर उतनी ज्यादा सर। बिल्कुल, तो इसमें तो आंसर अपना क्या हो गया, थर्ड हो गया सर। न्यूनतम पूछा ना, मिनिमम, यानी कि इसमें कंजुगेशन हो जाएगा सर। बिल्कुल, यानी का मतलब यही हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक सेंस का। एक बार हम बेसिकली की हल्की सी रूपरेखा आपको बता दें। जी सर, नॉर्मल स्पटना स्टपना की बात करें जो एनसीईआरटी की है, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी अमोनिया एनीमिया। जी सर, CH3 वाले केस में, CH3NH2 है, CH3NH3 है। जी सर, लेकिन गैस फेज है तो हमें कुछ नहीं देखना है, कोई स्टेरिक हिंडेंस, जितना अधिक प्लस आई इफेक्ट होगा बेसिकली उतनी ही अधिक होगी। इस क्वेश्चन में नॉर्मल, ये क्वेश्चन जो दे रखा है हमें देखना है, जनरली ध्यान सुनना, जनरली रेजोनेंस बेसिटी को क्या करता है, कम करता है। अब इसमें रेजोनेंस है,
इसमें लोन पे रेजिडेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है जी सर, इसमें भी लोन पे रेजिडेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ सर करेक्शन हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे एच हो गया बिल्कुल। अब यहाँ के दोनों पे इसमें भी रेजिडेंस है जी सर, इन दोनों में तो हो गया रेजिडेंस जी सर, इसकी बात में करेंगे, ये दोनों लेस बेसिक है। इन दोनों ये है SP3 जी सर, और ये है SP2 ठीक है जी सर, बेसिटी एस करेक्टर के इनवर्सली जी सर, तो सेकंड और थर्ड में हो गया, सेकंड ग्रेटर देन थर्ड जी सर। अब एनिलीन और पायरोल को देखना है तो हम बेसिक डिफरेंस समझाएंगे, H प्लस डाल के देखेंगे जी सर, H प्लस डाला जी सर, यहां क्या हो गया NH जी सर, SP3 हाइब्रिड हो गया SP3 जी, ठीक है ना, और यहां H प्लस डालने के बाद भी SP2 ही रहा, मतलब एरोमेटिक से एरोमेटिक बना रहा जी सर, यहाँ एरोमेटिक से क्या हो गया नॉन एरोमेटिक जी सर, तो जो H प्लस लेने के बाद अधिक स्टेबल रहे उसी की बेसिटी अधिक होगी, तो सेकंड थर्ड के बाद क्या हो जाएगा सर, फोर फिर फर्स्ट, मतलब सर इसके लिए एक ऑर्डर लिख दें अपन, हाँ लिख दो जी सर, साफ करें सर, अगर अपने कहीं भी ऐसा कोई ग्रुप आ जाए यानी कि NH2 लगा हुआ है, MED, इसका मतलब MED सबसे ज्यादा बेसिक सिंथेसिस की होगी सर, क्योंकि उसके बाद में अपन आई इफेक्ट देख लेंगे सर, यानी कि प्लस आई वाले तो क्या कर देंगे सर इंक्रीज करेंगे, माइनस आई वाले कम, माइनस आई वाले क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे, उसके बाद में अपन EN के अकॉर्डिंग देख लेंगे सर, जिसकी ज्यादा होगी इसका मतलब डोनेट करने की नेचर उतनी कम हो जाएगी, उसके बाद में अपन देख लेंगे कि लोन पेयर इन रेजोनेंस, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कितना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, उसके बाद में अपन देख लेंगे कि लोन पेयर इन एरोमेटिसिटी यानी कि लोन पेयर के पार्टिसिपेट करने से एरोमेटिक हो रहा है तो सबसे लिस्ट बेस होगा सर, इसी के अकॉर्डिंग अपन इसको भी कर सकते हैं, यानी कि ये देख लो सर ये एरोमेटिक हो गया इसका मतलब ये लिस्ट बेस हो गया, ये देखिए वही वाली बात होगी, SP3 था ये अपना SP2 है तो EN के अकॉर्डिंग कर सकते हैं सर, इसकी ज्यादा हुई इसमें लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बेसिक सेंथ कम हो जाएगी, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा सर सेकंड, यहां H था बेटा जी सही कर लेना, तो इसकी ऑर्डर हो गई हुई, हाँ सर ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं, अपन पहली बात करते हैं जी सर, के मतलब एसिडिटी की स्ट्रेंथ आपको देखना है, माइनस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी की स्ट्रेंथ, और बात करें के यहाँ तो के सीधे लिख दिया जी, यहाँ क्या है माइनस एम जी सर, यहाँ क्या है माइनस एम, यहाँ तीन माइनस एम जी सर, यहाँ माइनस आई है सर, और वहां मेटा पोजीशन पर ना तो प्लस एम शो करता है ना माइनस एम, ना प्लस एच ना माइनस एच, ओनली प्लस आई और माइनस एच, तो जी सर सबसे अधिक हो गया थर्ड पिक्रिक एसिड हो गया सर, पिक्रिक एसिड इज मोर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड सर, बिल्कुल फोर्थ सर, मेरी बात समझ में नहीं आई सर, लोग कहते हैं कि इसका प्लस एम भी है और माइनस एम भी है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी सेकंड वाले से, लेकिन सेकंड वाले की सर ज्यादा क्यों हो गई फर्स्ट से, ये कई लोगों के मन में सवाल आता है सर, इस पे थोड़ा सा बच्चों को बताइए जी सर, इसमें अगर हम बात करें तो लोग अक्सर यही समझ लेते हैं कि फर्स्ट वाले की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्यों इसका माइनस एम भी है और माइनस आई भी है, लेकिन बेटा जी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी एसिडिटी कम हो जाती है, यहाँ एक बहुत सही बात आपने कही, देखिए कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करता है अधिक करता है इस पे लोगों को डाउटफुल रहता है जी सर, यही हम COH ले लेते हैं ठीक है जी सर, तो इसको ऑर्थो इफेक्ट से भी अपने समझाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ऐसा कहना गलत होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एसिडिटी कम या अधिक ऐसा नहीं कह सकते सर, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो H प्लस ये दे नहीं पाए, दे नहीं पाएगा, मतलब सर वही बात हो गई कि जितना जल्दी एच रिलीज हो जाएगा वही उसकी एसिडिक सेंथ क्योंकि ज्यादा होगी, भाई अपने बताते जो भी है लेकिन बेसिक डिफिनेशन तो ये है कि एसिडिटी जो एच प्लस आसानी से दे दे और जो बेसिक है जो एच प्लस आसानी से ले ले, यही बात है, तो इन दोनों में बिल्कुल सही बात है दोनों में माइनस एम, हाँ सर क्योंकि लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाँ जिससे एच प्लस अच्छे से नहीं दे पाएगा, इस वजह से इसमें और इसमें कौन सा होगा सेकेंड, वही वाली बात होगी सर, कोई भागना था हाँ, और इतना कम नहीं होगा कि इससे कम हो जाएगा, ये तो सिंपल क्या है माइनस है, माइनस आई है, तो थर्ड हो गया अपना, एक बार क्लियर कट बात करते हैं जी सर, थर्ड सबसे अधिक हो गया जी सर क्योंकि तीन माइनस एम है जी, क्लियर डियर, अब दो में क्या है यहाँ भी माइनस एम है जी, यहाँ भी माइनस एम है, लिख लो इसको, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एच प्लस इजिली नहीं दे पाएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि इससे कम हो जाए जी सर, ये ध्यान देने वाली बात है, तो थर्ड के बाद सेकेंड फिर फर्स्ट और लास्ट में क्या हो गया फोर्थ हो गया,
क्लियर बेटा? जी सर, मतलब कोई भाग रहा था सर, हाँ, उसके किसी ने टांग अड़ा दी तो वो गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इसको तो पकड़ लिया किसी हाँ, ने, तो इसका मतलब सेकंड वाला समझ गए डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी सर। द पेयर ऑफ रेजोनेटिंग वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, सही अनुनादी संरचना युग्म है जी सर। तो सिंपल से बनाए के देख ले, जी ये इधर, ये इधर, हाँ, जो देता है उस पर प्लस, जी सर, जो लेगा उस पर माइनस, तो यही हमारा पेयर दिख गया पहले तो। जी सर, इसमें है नहीं, हाँ यहाँ फंसाते हैं सर, सर इसमें टॉटमर कई है सर, हाँ, यानी कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, तो इसका मतलब सर कहने का मतलब है कि रेजोनेंस में कभी एटम का ट्रांसफर नहीं होता, होता। और यही क्वेश्चन फंसेगा कि तुम्हें घूम घुमा के दे दिया जाएगा, टॉटमर रेजोनेंस में कंफ्यूजन कर जी सर, यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में सर एटम की पोजीशन, बोन एंगल और क्या नाम थे एटम की पोजीशन की अगर बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। कई बच्चों में ये होता है सर, ये देखो यहाँ डबल सिंगल लोन पेयर हो रहा है, ये रेजोनेंस है, लेकिन बेटा रेजोनेंस में तो एटम का ट्रांसफर ही नहीं होता, यहाँ है ही नहीं, ये भी नहीं है, नहीं है सर, ये तो ऐसे ही पॉजिटिव, ये बैलेंस टॉटमर का एग्जांपल एक है, अगर आप जी सर करना चाहो आईटी के जेईई मेन बच्चे हो तो इसको ध्यान रखना, बैलेंस टॉटमर जी सर। ये वही सर क्षारीयता, सिंपल सा, जो आपने वहां एक कॉलम बनाया था जी सर, तो उसमें कहा था कि जिसमें लोन पेयर है, अब यहाँ प्लस एम बेसिटी को बढ़ाएगा और माइनस एम कम करेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ माइनस एम है, यहाँ माइनस एम है, और यहाँ प्लस एच और प्लस आई मान लो, ठीक है, तो सबसे अधिक हो गया फोर, ठीक है, फिर क्या हो गया थर्ड जी सर, फिर हो गया सेकेंड जी सर, नहीं माइनस एम कम करेगा, ये माइनस एम सबसे अधिक हो गया फोर जी सर, उसके बाद फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर सेकंड जी सर, यानी कि इसका माइनस एम कहने का मतलब माइनस एम सर ज्यादा है, हाँ, और इसका माइनस एम सर कम है, कम जी, माइनस एम बेसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और प्लस एच प्लस है इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जी सर, सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सीसीएल3 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, माइनस वाले यानी कि प्लस वाले सर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और माइनस पे रहे यही करेंगे, जुड़ा है मान लीजिए बेंजीन, तो ये इसको देगा, तो ये एक्टिवेट करेगा, हां सर प्लस एच है ये एक्टिवेट करेगा जी सर, करेगा इंक्रीज, हां डीएक्टिवेटिंग कई बार एक सही चीज है जी सर, ऐसे पूछा जाता है सी सी एल थ्री यहाँ दे दिया गया, क्यों सर जी सर, और यहाँ कोई कंसंट्रेटेशन हो थ्री एच टू एस ओ फोर एन ओ टू प्लस जी सर, और ये सी सी एल थ्री यहाँ जाएगा मेटा पर जी सर, तो अगर ये पूछा जाएगा इसका रीजन जी सर, क्या बताएंगे माइनस एच, माइनस एच नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन जी सर, ठीक नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है सर, वही चीज जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिस पर आपने कहा था जिस पर कोई चार्ज नहीं उसको फर्स्ट कर दो, तो ठीक है हमने कर दिया सर, आगे हाँ एक बात फिर बहुत शानदार है जी सर, यहाँ पे सी डबल कहीं बेटा ऐसे हो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू पॉजिटिव चार्ज, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है सर, हाँ अगर इसने अगर देने की कोशिश करी वैसे ऐसा होगा नहीं, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और मोर यूनिट एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब सर वही वाली बात हो गई, कहीं बेटा अंबानी जी कंगाल हो गए, कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस डीस्टेबलाइज जी सर, ये अपने मॉडल में क्वेश्चन भी है जी, तो वाई के बाद क्या आ गया आपका एक्स, हां सर इसकी अगर अपन बात करें तो सर ये वैसे भी डीस्टेबल होगी और इसमें नेगेटिव चार्ज यहां पे, और इसमें अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो मोर यूनिट एटम पे जा रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सर, सबसे ज्यादा y, उसके बाद में x, x और z, थर्ड आंसर आ जाएगा सर, ठीक है बेटा जी सर, विनाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट जी लोअर देन मिथाइल क्लोराइड, दिस इज रेजोनेंस जी सर, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण उसमें सर वो उसका ध्यान भटक जाएगा और वो खींच लेगा सीधा, नेक्स्ट पे चलते हैं जी सर, सिंपल माइनस एक ऑर्डर आपको याद रखना है, NR3 प्लस NH3 प्लus, NO2 CnCHO COS क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OROS ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H जी सर, और हाइड्रोजन इज नोन एज जीरो इंडक्टिव इफेक्ट जी सर, ठीक है बेटा, फिनोल का सर स्ट्रक्चर थोड़ा बना दीजिए बच्चों को, फिनोल की अगर अपन बात करें सर ये फिनोल अपने बना दी है यहाँ पे OH लग गया, OH, हाँ। और अगर अपन अब इसमें
यानी कि सर इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा सर, ठीक है, तो इसके कारण क्या आ जाएगा, यानी कि प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और प्लस एम के साथ साथ ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है सर, माइनस आई, हाँ जी सर, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा होगा, प्लस एम, प्लस एम इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल सही जी, ये आपके आंसर हो गया जी सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वही चीज फिर अपन को करनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, कौन सा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है और बेवकूफी भरा क्वेश्चन भी है जी सर, हाँ इसमें कहाँ का रेजोनेंस नहीं सर, रेजोनेंस के लिए डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, प्लस डबल सिंगल, माइनस डबल सिंगल, लोड वेयर कुछ ऐसा हो, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो यही रेजोनेंस नहीं है, और सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है जी सर, इसका मतलब नेक्स्ट बात करें जी सर, मेजोमेरिक इफेक्ट जी सर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन सा हो जाएगा जी सर, अभी बात कर रहे थे पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, वही मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया सवाल सर, एरोमेटिसिटी अक्सर पूछ ली जाती है सर, तो पहले हम आप उत्तर निकालेंगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक की चार कंडीशन हम लिख दे रहे हैं, एरोमेटिक की चार कंडीशन जी सर, पहला साइक्लिक जी सर, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज कंजुगेशन होना चाहिए, और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि एरोमेटिसिटी की अगर अपन बात करें तो हकल जी सर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन परसेंट होने चाहिए, ठीक है जी सर, तो इसमें बात कर लेते हैं कौन सा एरोमेटिक यौगिक है जी सर, ये तो साफ ही दिख रहा है यहां sp3 साइक्लिक तो है लेकिन सेकंड कंडीशन, हां एक बात और बेटा, एक बात बहुत क्लियर बात सुन लो, ऐसा नहीं कि आपका हकल रूल फॉलो, कोई अगर स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि कोई कंपाउंड है और हकल रूल फॉलो करता है तो एरोमेटिक है, ये गलत बात है, ये जरूरी नहीं है सर, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी एग्जांपल दीजिए, आंकड़ों के साथ बात करते हैं जी सर, 4n plus 2 यहां 2 है, 4n equal to 0, n equal to 0, ये हकल रूल तो फॉलो कर गया जी सर, एरोमेटिक है नहीं है सर, साइक्लिक नहीं है, प्लेनर नहीं है, कंप्लीट क्लोज कंजुगेशन नहीं है, तो इस पर बात अपने करने वाले, तो ये साइक्लिक तो है लेकिन ये sp3 आगे 3 है, इसका मतलब इसमें कंजुगेशन नहीं है, इसमें सर इसकी में बात करें तो एरोमेटिक है सर, है 4n plus 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 4n plus 2, 10, 10, n equal to, ये भी होगा अपना, कौन सा आंसर आ गया सर, 4th, ठीक है, जी सर, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सर दे रखा है आपने, 1 methoxy, 1 3-butadiene is least stable, जी सर, तो सुनिए, हमें तो पहले देख लें कहां octet incomplete है, जी सर, पहले ध्यान से, octet हमारा incomplete चल रहा है, सर इसमें octet 6 electron, जी सर, और कहीं है incomplete, नहीं है सर, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है, ये आंसर हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये सबसे मोस्ट स्टेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना बेटा देख लो, ये है ना, तो 1 2 3 4 5 6, क्यों सर, जी सर, यानी कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ठीक है, अब 17 की बात करते हैं जी सर, नेक्स्ट सवाल, ये कौन व्हिच इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेटा एक बात कहें, ये तो आपको बता दिया गया, ये तो हो गया साइक्लिक है जी सर, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, और हकल रूल को फॉलो करेगा, 4n plus 2 equal to 2, 2, 4 है, और 2 के अंदर 6, यानी कि सर साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज कंजुगेशन होना चाहिए, और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, तब एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक है, इसकी बात करते हैं, अच्छा एक बात इसमें सर दिमाग में आपके आ रही होगी जी सर, ये क्वेश्चन टॉटोबराइज करके तो ये भी एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन दिया गया उसकी बात करते हैं, कर सकता है, ऐसी बात नहीं कर, कर सकता होता तब तो हम टॉटोमराइज करते और कुछ ये इस टाइप की सिचुएशन बन जाती जी सर, एरोमेटिक हो जाता फिर, हो जाता फिर तो एरोमेटिक, लेकिन अपनों ने इसकी बात नहीं की है, इसमें सीधी बात करी गई है, तो ऑप्शन के हिसाब से, क्यों सर, जी सर, क्वेश्चन जब आए तो आपको ऑप्शन भी देखना है और अपने को बेस्ट आंसर, इसमें बेस्ट, ये भी एरोमेटिक है जी सर, ये भी एरोमेटिक है, कैसे, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों को एक रिंग से दूसरी रिंग पर शिफ्टिंग कर दे सर, बीच वाली ये अलग एरोमेटिक, ये अलग जी सर, ये भी एरोमेटिक हो गया, ये है ही, यहां sp3, तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा एरोमेटिक नहीं है, सेकंड वाला जी सर, ठीक है डियर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया सवाल है, NS2, यहां ये वैसे IIT 2003 का क्वेश्चन जी सर, अब यहां आपने इस पर थोड़ा सा आप बात करिए तो फिर हम बात जी सर, क्या इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है सर कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट में से रिमूव कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी कि ओरिजिनल चीज इन्होंने कह दी, अब बात देख करते हैं, ये है ये है ये है ये जी सर, ट्रिपल बॉन्ड अपने इन तीनों की चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं, बस एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये जो है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा जी सर, तो ये मान लीजिए ए है जी सर, बी है,
ये सी है, ये डी है, तो एसिडिक एस्टर क्या होगा सर? सबसे ज्यादा सर फर्स्ट, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसके बाद में फिनोल कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है सर, उसके बाद में ईएन के अकॉर्डिंग देख लेंगे सर, इसकी ईएन ज्यादा है, उसकी ईएन कम है, तो उसके बाद में सी एंड डी, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ सर? फर्स्ट वाला हुआ, मतलब ये NaNH2 इसी के साथ सॉल्ट बनाएगा बस ही सर, मतलब COONa कहां पे है सर? ये रहा सर, ये रहा। अगर सर दो इक्विवेलेंट दे देता तो इसके साथ सॉल्ट बनाता ही और साथ में इसके OS के साथ भी, मतलब यहाँ पे ये हो जाता, तीन देता तो ONa यहाँ कर दे, फोर होता तो ठीक है, ठीक है जी सर। नेक्स्ट, तो अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल था सर, बहुत सिंपल सी कहानी है। विच कंपाउंड्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बीइंग पीएमटी स्टूडेंट एट आईआईटी, आप ध्यान से रखो, जनरली प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, sp2 के बगल में जो कार्बन के पास हाइड्रोजन हो जी सर, वही हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा, तो डबल बॉन्ड इधर है जी सर, ये सर ये नहीं करेगा सर, नेगेटिव चार्ज इसका पहले से ही उपयोग, इसके बारे में इसके पास सर 1 अल्फा एच है, इसकी बात करें तो अल्फा एच 3 है सर, है मतलब आंसर अपना ए सी और डी जी सर, ए सी डी की अगर अपन बात करें, ए सी डी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्बेनाइन शो नहीं करता सर, हाँ ऑर्थो इफेक्ट से इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्यों सर? जी सर, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप, जी सर, ऑर्थो के ऊपर अगर कोई बल्की ग्रुप आ जाता है तो इसका मतलब या तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है या फिर क्या हो जाता है, ऑर्थो के ऊपर बल्की ग्रुप आते ही रिंग का जो COOH नेगेटिव होता है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है सर, ये बात, यानी कि रिंग के साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, चाह रहे थे आप जी, मतलब बेंजोइक एसिड लिखे हो चार जी सर, ठीक है ना, और ऑर्थोमेटा पैरा पे लगा हो, चाहे OH हो, NO2 हो, I हो, BR हो, CH3 कह रहे हैं हम, CH3 भी हो, C2S5 भी हो, तो पहले तो कौन सा होगा? ऑर्थो वाला, मतलब इसमें ऑर्थो और C ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, जो सर ने कहा प्लेन से चेंज हो जाएगा उसकी बात। अब हम प्लस एच माइनस एच, प्लस एम माइनस एम देखेंगे, यहाँ क्या लग रहा है सर? प्लस एम, यहाँ माइनस आई, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, तो इसका मतलब प्लस वाले तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, डी फिर सर ए, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिड देन बेंजोइक एसिड, हां अगर यहीं पे CH3 लगा देते तो सबसे अधिक CH3 ऑर्थो वाले का होता, उसके बाद से हम प्लस, उसके बाद से अपने प्रोसीजर पे आ जाओ, प्लस एच माइनस एच, प्लस एम माइनस जी सर, तो आंसर अपना क्या हो गया सर? सेकंड जी सर, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये भी फिर वही सेम वही कांसेप्ट, वही क्वेश्चन जी सर, तो पूछ, इसमें मैक्सिमम पूछ सकता है ऑर्थो पे वाला, ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा, ठीक है ना, समझ गए बेटा? अब हाँ, फिर एरोमेटिक की बात आ गई जी सर, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो साइक्लिक प्लेनर डीलोकलाइजेशन और हकल लोड, एक ओर से सीधे चेक करना है, यहाँ देखो हम, ये साइक्लिक प्लेनर और sp2 है, 4n + 2 इक्वल टू सर कितना है? 6 जी सर, n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n + 2 इक्वल टू कितना है? 6 n इक्वल टू 1, साइक्लिक प्लेनर डीलोकलाइजेशन है, और ये भी क्वेश्चन जो डिस्कस किया था अपने माइनस प्लस अलग अलग चेक करने, एरोमेटिक है ये, है ये एरोमेटिक है, चार हो गए सर जी सर, ए बी सी डी आंसर आ गया सर, फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी सर, हीट ऑफ हाइड्रोजन, एक लाइन बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर अपन बात करें सर, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसकी बात करें तो पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे HOH उतनी ही ज्यादा मिलेगी, बिल्कुल, मतलब सर के कहने का है कि सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड सेम है तो हम क्या देखेंगे, जो अधिक स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम जी सर, दो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात हम करें तो ये अधिक जी सर, फिर स्टेबिलिटी आइसोलेटेड, हाँ ये स्टेबिलिटी हम कह रहे हैं, ये स्टेबिलिटी कह रहे हैं जी सर, उसके बाद फिर आ गया कंटिन्यूटी में, अगर डबल बॉन्ड है सर तो पाई पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास आ जाएंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगी, तो हम लोग इसका ये तो होगी स्टेबिलिटी, आप नोट कर लेना बेटा, सबसे पहले देखिए हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसमें भी दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड, मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होगा इन दोनों का, अब इसमें कौन सा अधिक होगा, जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ कम कम, तो डबल सिंगल डबल ये कम स्टेबल है, कंजुगेशन है सर, इसका मतलब सी और बी, ठीक है जी सर, अब इसमें इसमें दोनों में एक ही डबल बॉन्ड है जी सर, तो कौन सा अधिक स्टेबल होगा, ये स्टेबल ज्यादा हो जाएगा सर, इसमें अल्फा एच है तो हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड है तो हम हाइपर कंजुगेशन से देख लेंगे, मतलब ये अधिक स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, तो ए उसके बाद में डी, ये अपने क्या किया जी सर, मतलब एक लाइन का बात, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड सेम है तो हम देखेंगे स्टेबिलिटी, जो अधिक स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी, ठीक। नेक्स्ट कौन सा आंसर हो गया सर? हो गया सबसे अधिक हो गया आपका सी जी सर, फिर बी, फिर ए और फिर डी,
कारण पास जितने अल्फाएच हो, यही बात हुई जी सर। तो यहाँ अल्फाएच जितने ज्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी और उसकी स्टेबिलिटी भी। इसका ऑर्डर भी अगर बात करें सर तो कौन सा हो जाएगा, इसके पास अल्फाएच की अगर बात करें तो कितने हो गए सर, 3 हो गए, इसके पास 2 अल्फाएच है, इसके पास 1 है और इसके पास 0 है सर, 0 ठीक है। अगर तो एक्टिवेटिंग की बात करें सर हाँ, तो इसी की अधिक होगी जी सर, सबसे ज्यादा प्लस आई, उसको कई बच्चे कंफ्यूज की प्लस आई थे उसका, हाँ सर प्लस एच, तो सबसे अधिक हो गया 1, उसके बाद में 2, 3, 4 ये आ जाएगा, मतलब आंसर अपना कौन सा है 1 सबसे अधिक, यानी कि अल्फा एच देखने हैं अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है सर, एसिडिक सेंट, एसिडिक सेंट हाइड्रोजन के सवाल है। अरे एक बात देखो सर, आप यहां कीटोन दे रखा है, यहां एमीन दे रखा और यहां दे रखा है एमाइड जी सर, यानी कि मोर ये एटम जल्दी एच रिलीज कर देगा, या अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर H+ देने के बाद, मतलब वो भाई SO3H अपने लेते थे जी सर, जब इसका H निकालेंगे 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, COH लेते थे 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसके पास CONH2 लेते थे क्योंकि यहां 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक है, तो इसलिए एमाइड कौन सा होगा अधिक से ज्यादा इसी की होगी सर। यहां से तो क्या जाएगा सर, यहाँ नाइट्रोजन पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेशन भी है नाइट्रोजन के निकलने के बाद में, यहाँ कार्बन से एच रिलीज होगा इसलिए, तो मोर ये एटम के पास अगर एच है तो वो जल्दी रिलीज कर देगा, मतलब सर आंसर क्या हुआ अपना, अपना पी हो गया सर, यानी कि ये वाला आंसर अपना हो जाएगा सर, ठीक है बेटा। यानी कि एसिडिक सेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, बिल्कुल 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 सही बात। 26 अच्छा क्वेश्चन, पहले तो हम देख लेते हैं इसमें 2 सी ओ एच है, पहले तो हम आंसर इसका लिखते हैं फिर आप इस पर थोड़ा सा बात करेंगे सर। सबसे अधिक हो गया क्यू, क्यू और माइनस एसी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा जी सर, तो क्यू डिस्टेंस के इनवर्सली, क्यू के बाद आर, फिर एस, उसके बाद पी, पी। अब सर इसके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि अगर हम बात करें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिड देन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यानी कि एक सी डब्ल्यू एच है वो माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा सर, है ना सर, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एसिडिक सेंट है डिक्रीज होती जाएगी, बिल्कुल सही जी सर। तो यानी कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यही लगेगा दो, उसके बाद में अब डिस्टेंस थोड़ा सा एक कार्बन आ गया तो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि दो कार्बन लिख सकते हैं सर, हां इसको आ सकता है। ओम्स गैप की अगर बात करें तो एसिडिक सेंट सबसे ज्यादा किसकी होगी सर, इसी की होगी, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक भी मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्यू आर एस इसमें दो कार्बन जी सर, लेकिन इसमें तो क्या है एक ही सिंगल है सर, यानी कि माइनस वाले इंक्रीज करेंगे प्लस वाले डिक्रीज करते हैं, ठीक है। क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी पी, यानी कि अपना थर्ड आंसर होगा सर। नेक्स्ट बात करते हैं सर, सिंपल सी कहानी है, यहां है sp3 जो अपने बात कर रहे थे जी सर, यहां है sp2, यहाँ है sp3 और यहाँ सीधे एक माइनस आई और इसमें तो आ गया रेजोनेंस, ठीक है क्लियर कट बात करते हैं सर। सबसे अधिक जो दो sp3 वाले हैं वो निकाल लिया पी और आर, और माइनस आई बेसिटी को कम करता है तो पी हो गया पहले, उसके फिर आर, फिर क्यू, फिर लास्ट में एस जी सर, ठीक है। डियर हमने सीधे sp3 sp2 लिख लिया, इसमें तो रेजोनेंस है तो लास्ट में हो गया, अब दोनों में sp3 है तो कैसे इसमें डिसाइड करोगे, माइनस आई बेसिटी को कम, प्लस वाले इंक्रीज करते हैं माइनस वाले डिक्रीज करेंगे, इनका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया सर, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, H2O से अधिक एसिडिक की बात कर रहा है जी सर, तो H2O सिंपल सी बात सुन लो, एल्कोहल और H2O में H2O मोर एसिडिक होता है, लेकिन मेथनॉल को छोड़कर तो मेथनॉल और H2O में कौन सा अधिक, तो मेथनॉल पे काम करोगे, एसिड तो H2O से अधिक एसिडिक होते हैं, फिनोल भी होंगे, मतलब आंसर अपना A B D कौन सा होगा, A B D सही हो गया ना, फोर्थ आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट बात, शानदार क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अधिक होता है जी सर, पोलैरिटी की वजह से शायद हमारे ख्याल से 2.8 के अराउंड होता है जी सर, नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड, अगर वो एरोमेटिक में है तब तो और अच्छी बात, और अच्छी बात है सर, तो यहाँ हो गया माइनस और ये प्लस, यानी कि ओ माइनस CO बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दें तो इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन भी एक तरफ जा रही है, जा रही, तो आंसर फर्स्ट तो हो गया ए हो गया। अब कह रहा है एसीटोन, देख लो बेटा ध्यान से सुन लो, अगर कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब एसीटोन हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी है, और यानी कि आपके कहने का मतलब ये हो गया सर कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है और इसके पास लोन पेयर भी है, बिल्कुल, यानी कि
कोई आए तो इसके ऊपर अटैक भी कर सकता है और ये किसी के ऊपर लोन पे डोनेट कर सकता है। मतलब CS3CN भी है जिसके साथ यही कहानी। यस सर। अब प्रोपीन जीआई शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। ये कारों का सेम ग्रुप आरओ माइनस भी गलत बात है। जी सर। आरओ माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आरओ नेगेटिव, ये नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। तो आंसर अपना कौन सा होगा? ए एंड ए एंड बी। ठीक है जी सर। नेक्स्ट बात करें। ठीक है जी सर। करेक्ट स्टेटमेंट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट होता है सर। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो मेनली ये तीन बातों के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक तो सर क्या होना चाहिए, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। दूसरा अगर परमानेंट इफेक्ट होता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। और हाइपरकॉन्जुगेशन बेकरनाथन, ये साइनेस इफेक्ट। जी सर। इसको बेकरनाथन इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया सर। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको। बिल्कुल। माइनस आई इफेक्ट ऑफ एफ इज मोर, ये तो गलत हो गया सर। NO2 के ज्यादा होता है सर। तो ए और बी सही है ना? जी सर। ठीक है डियर, नेक्स्ट बात करते हैं। CHCl3 और CHF3 को थोड़ा एक्सप्लेन करो जी सर। अगर अपने एसिडिक सेंट की बात करेंगे तो एसिडिक सेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के। यहां इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना लेते हैं सर, इसके पास आ जाएगा एफ, इधर भी एफ और इधर भी क्या आया एफ। यहाँ पे बात करें तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ Cl, Cl और Cl। अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी देखेंगे किसकी ज्यादा है। इसके पास क्या है सर? वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर लेगा सर? बीबी मिल जाएगी इसको, यानी कि बैक बॉन्डिंग। यानी कि बीबी मिल गई तो स्टेबिलिटी सर इंक्रीज हो गई। अब हाँ, बच्चे कई बार ये कहते हैं सर यहाँ माइनस आई क्यों नहीं लगा? तो माइनस आई इफेक्ट रेजोनेंस हाइपरकॉन्जुगेशन में कहीं कोई विवाद हो तो किसको मान? रेजोनेंस। रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन। इस वजह से HI वाली बात, ये भी बात कर ले सर थोड़ी सी। यानी कि साइज इंक्रीज होगा, अप टू डाउन मूव करने पर साइज इंक्रीज होता है। यानी कि हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। HCl है, HBr है, HI है। सर बेसिक डिफिनेशन की बात कर रहे हैं कि भाई HF है जी सर, HCl साइज इंक्रीज हो रहा है, HBr HI जी सर आकार बड़ा होने के कारण H+ वो आसानी से दे देगा। जी सर। ठीक है, तो जो आसानी दे देगा उसकी एसिडिक हो गया। ये अपना सही है, ये गलत है। CHCl रिमूव। जी सर। अगली, ये भी गलत है सर। जी सर, प्लस वाला डिक्रीज कर देगा। एरोमेटिक एसिड एलिफैटिक एसिड में एरोमेटिक एसिड इज मोर एसिडिक, बट फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिड देन एरोमेटिक। मतलब ये इधर गलत हो गया सर। फिनोल H2O से, ये सही बात है। जी सर। तो बी एंड डी, यानी कि फिनोल में सर कॉन्जुगेशन है, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं। जी, नेक्स्ट बात करें। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन, सिंपल माइनस आई प्लस आई लगा दो। जी क्यों सर? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी माइनस एम है, कुछ नहीं है, प्लस एच है और प्लस एम। सबसे अधिक सर कौन सा हो जाएगा? ए। माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करेंगे, ए बी सी डी यही ऑर्डर आ जाएगा सर। ठीक है, माइनस एम आराम से लिख लो, माइनस एम इंक्रीज करेगा, को इंक्रीज करेगा बढ़ाएगा, और प्लस एम डिक्रीज करेगा, यानी कि ए बी सी डी थर्ड आंसर होगा सर। ठीक है, आपसे थोड़ा सा और इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वही हाइड्रोजन, इसको तो आप करो सर क्योंकि ये बात कर चुके हैं अपने। जी सर। तो बच्चे भी कर लेंगे इसको। बेटा बोलो हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखी थी वही चीज यहां लिखी है पाई बॉन्ड के। जी सर, पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे HOH उतनी ही क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। बट अगर सेम बात है तो स्टेबिलिटी के उल्टा, उल्टा स्टेबिलिटी हमने बताई थी। जी सर। तो हम हीट ऑफ हाइड्रोजन लिख दे सीधे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सर फर्स्ट की है स्टेबिलिटी। चलिए पहले स्टेबिलिटी लिख देते हैं, स्टेबिलिटी। हाँ बोलिए सर, फर्स्ट फर्स्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद में अगर बात करें तो थर्ड, उसके बाद में सेकंड, मतलब उल्टा हो जाएगा। जी सर, यानी कि सेकंड की सबसे ज्यादा HOH हो जाएगी। सेकंड का ये सर क्या नाम है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों है? वही वाली बात, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाप। जी सर, हीट ऑफ कम्बशन, बेहतरीन क्वेश्चन। जी सर, हीट ऑफ कम्बशन, एक लाइन हम फिर दोबारा बोल दें। हीट ऑफ कम्बशन देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन सेम है तो हम क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ कम्बशन कम होगी। ठीक है सर। और स्टेबिलिटी की एक हम थोड़ी सी बात कर लें, सबसे अधिक स्टेबिलिटी 6 की रिंग, 6 की 5, उसके बाद में 4 की 3 की। तो पहले तो सर हम देखेंगे कार्बन के नंबर। जी सर। इसमें कितने कार्बन है? 7, 6, उसके बाद में 8। बहुत बेहतरीन, नहीं हो पाया थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको और अपने फंसा सकते थे। जी सर। जब कार्बन नंबर सेम हो जाए तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी, तो इसमें सीधा हो गया सर। जी सर। तो सबसे ज्यादा सी की, उसके बाद में ए की, उसके बाद में बी की। तो पर सर यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाता तब अपन करते क्या, स्टेबिलिटी वाला। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप। जी इसका तो आंसर क्या हो गया?
इसका आंसर हो गया सर सी ए बी। सी ए बी यानी कि अपना आंसर फोर्थ हो गया। सत्य कहने का मतलब मान लीजिए ये होता जी सर छह कार्बन और ये होता सिक्स कार्बन। सिक्स कार्बन ठीक है। अब इसमें दोनों में सेम हो गया कार्बन सिक्स कार्बन सिक्स कार्बन ठीक है। अब कौन अधिक होगा जो अधिक स्टेबल उसकी हीट ऑफ कंबशन कम होगी मतलब एच ओ सी इसके जी सर समझो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया सवाल है सर ये। वन डबल बॉन्ड टू पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज टू पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जीरो। देखना बेटा आराम से ये है डबल बॉन्ड। हमें नहीं पता है चार्ज कहां है होल पे चार्ज दे रखा हो तो हम इसको एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जी सर। किसी को हमने ब्रेक कर दिया मान लो चाहे इसको कर लो चाहे इसको यहाँ प्लस आ गया यहाँ माइनस आ गया ऊपर क्या हो गया माइनस टू माइनस अंदर लाएंगे किसके पास जाएगा प्लस के पास जी सर माइनस माइनस टू फोर सिक्स सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इसका मतलब एरोमेटिक हो गया ये यानी कि आपका आंसर कौन सा आ गया सर हॉट हॉट ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताइए होमोलिटिक हेटरोलिटिक ये तो बात है होमो बताइए जरा होमो की अगर अपन बात करें सर मान लो कार्बन कार्बन है तो इसको बीच में से अपन रेडिकल बना दें इनके तो क्या बन जाएगा होमो। इसको अपन क्या बोलेंगे होमो जब मतलब सर के कहने का होमो में इलेक्ट्रॉन इसने लिया जी एक इलेक्ट्रॉन ये लिया। अब आगे हेट्रो हेट्रो की अगर अपन बात करें तो मोर यून एटम वाला अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा मान लो अपने सी और एक्स ले लिया तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा जिसके कारण क्या हो जाएगा सर दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले और एक इलेक्ट्रॉन से वंचित रहे जी सर। यस इसके ऊपर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होना चाहिए जी सर। तो आंसर कौन सा होगा अपना जी अगर अपन बात करें तो जल्दी कौन सा ब्रेक हो जाएगा जिसमें ईएन में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला क्या हो जाएगा जल्दी ब्रेक हो जाएगा मतलब होमो में कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और हेट्रो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जी सर। और ये भी हो सकता है सर कि क्या सेम भी हो सकता है कई बार उसमें कह देता है कि कौन सा मोर स्टेबल होगा मान लो अगर अपने कई बार ये सवाल आया हुआ है सर तो पूछा गया था कि इसमें से अगर ये बना दें अपन तो एक तो अपने ये बना दिया कार्बन कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज इसके दो बनाकर दिए हुए थे सर कि इलेक्ट्रॉन इधर कर दें तो इसमें से कौन सा राइट है और कौन सा इनकरेक्ट है यानी कि इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी से देख लेंगे। और एक बार तो जेमी में ये भी आ चुका है कि हेटरोलिटिक में क्या बनता है कार्बोकैटायन कार्बेनायन बोथ तो दोनों बनता है और होमोलिटिक में अपना फ्री रेडिकल बनता है ठीक है। नेक्स्ट पे चलें सर जी सर इसकी बात भी कर चुके हैं शायद अपने जी सर। मेटा डायरेक्टिंग करेक्टर इज कॉज्ड बाय माइनस एच नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इसका क्वेश्चन हो चुका है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ एसआईआर ये फिर अच्छी बात आ गई। एसआईआर बेटा एक नॉर्मल चीज सुन लो अगर ये है नाइट्रोबेंजीन और यहाँ है नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर आर मतलब सी एस थ्री यानी कि ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आ जाएगा तो वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। हाँ, इसमें रिपल्सन को ऐसे प्लेन से हट जाएगा जी सर। मतलब एनओ टू बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दो चीज आ गई जितना अच्छा रेजोनेंस होगा डायपोल मोमेंट अधिक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज नहीं होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी जी सर। मतलब रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा तो सिंपल ये है यहाँ SIR होगा जी सर SIR और यहाँ SIR नहीं होगा मतलब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में नहीं जाएगा मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी अधिक होगी मतलब इसमें क्या हो जाएगा सर रेजोल्यूशन मतलब Y greater than जी सर। क्लियर समझ के बाद नेक्स्ट जी इसके बारे में बात करिए सर इसकी बारे में बात है अगर अपन बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट में से क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है सर यानी कि सी डबल एच है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर और इसका ये क्या है वीक एसिड का सॉल्ट है जी सर ये राइट है। सेकंड ये इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ये भी क्या कर देगा सर CO2 रिलीज कर देगा इसका मतलब ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो जाएगा। इसकी बात करें तो सर ये जो सॉल्ट है अपना H2CO3 का है सर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेयर टू फिनोल के इसका मतलब ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को उसके सॉल्ट में से रिमूव नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये नहीं हो पाएगी। मतलब एक बात अगर सर आप कह रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे NO2 लगा देते तभी रिएक्शन हो जाएगी जी सर फिर हो जाएगी पिक्रिक एसिड इज मोर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड ना ये लाइन बोली थी सर ने तो इसलिए ये आपका बेहतरीन एक चीज आपने और जान गए जी सर। इन दोनों में अगर अपन बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर माइनस वाला इंक्रीज करेगा और ये वीक एसिड का सोल्ट है तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से रिमूव कर देगा तो ये भी हो जाएगी सर वो नहीं हो पाएगी थर्ड आंसर अपना हो गया जी सर। नेक्स्ट बात बेहतरीन क्वेश्चन हमें देखना एमाइड इज लेस बेसिक देन एमीन ये लाइन पहले तो लिख लो
जनरली, क्यों सर? अब यहाँ पे एमीन है और ये एनिलीन है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है, तो सी सबसे अधिक है जी सर। फिर डी हो गया, फिर इसमें सर कॉन्जुगेशन है। हाँ, इसमें अब ये दोनों एमाइड हैं, ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, लेकिन यहाँ का लोन फिर इसके साथ दो के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, और ये एक के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है। यहाँ क्या हो गया, बी, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा इसका मतलब डोनेट करने की नेचर उतनी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सी डी बी ए जी सर, सी डी बी ए अपना आंसर हो गया सर, 4-4। अच्छा क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट में अपने जीओसी के फिर कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जी सर, सर, और उस पर बात करी जाएगी, क्योंकि जीओसी को दो पार्ट में अपने को कंसीडर करना है। तो अच्छा रहा अपना ये, और इसके आगे आप क्या क्या चीजें अगले में आएगी सर, वही चीजें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन की बातें करेंगे सर, इनके बारे में बात करेंगे, कार्बोकैटायन और आता भी रेजोनेंस में, आप सीधे ध्यान रखो बेटा, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, क्यों सर? रेजोनेंस में आपको एरोमेटिसिटी जी सर, स्टेबिलिटी रूल जी सर, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जी सर, नाइट्रिन कार्बन की थोड़ा बेसिक आइडिया, इतना कर लो आप तो ये कंप्लीट है अपना जी सर। कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा ये, और इंडक्टिव का तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है बस। आपने शुरू में ही कह दिया था सर कि जनरल होगी, कैंसी है वो दिल है, दिल है, दिल नहीं धड़केगा तो इसका मतलब जीना बेकार, तो आप नहीं जाएगा, बेहतर कर रहे हो और अच्छा करो, ठीक है जी सर, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, थैंक यू डियर, जय सीएलसी।